तो अभिभावक की क्या क्या एक इम्पोर्टेंस होती है जब वो शिक्षा की तरफ देखता है अपने बच्चे को या शिक्षा के लिए देखता है? तो काव्या जी, अधिकतर आज भारत के अंदर एक नैरेटिव बन गया है कि शिक्षा का मतलब है स्कूल जाना जी, और स्कूल में जो हमारा सिलेबस है उसको ख़त्म करना और अच्छे नंबर लेना। लेकिन शिक्षा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब आदमी सुबह उठता है या बच्चा सुबह उठता है और तब तक सोता है, जो भी वो एक्शन करता है, कुछ ना कुछ वो क्रियाकलाप एक्टिविटीज जो भी कर रहा है, हर चीज में हमें लर्निंग लानी है जी, वही शिक्षा है। चाहे वो खाना खा रहा है तो खाना कैसे बैठ के खाना चाहिए, टेलीविज़न देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, या वो पेरेंट्स को खाना खिला रहा है, चपाती कैसे रखी जाए, सब्जी कैसे दी जाए, या वो बस से स्कूल आ रहा है तो बस में कैसे चढ़ना चाहिए, कैसे उतरना चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। सो लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग डज नॉट मीन कि मैंने सिलेबस ख़त्म कर दिया और मेरे 100 में से 100 नंबर आ गए। तो ये हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को सिखाइए, मानव बनना सिखाइए, उनमें अच्छे संस्कार दीजिएगा, उसके अच्छे नंबर अपने आप ही आएंगे। उसको पंक्चुअलिटी सिखाइए, समय पर काम करें, उसकी दिनचर्या अच्छी हो, टाइम से सोए, टाइम से खाए, टाइम से सुबह उठे और एक दूसरे से मिलकर के रहे, प्यार से रहे। यही जो वर्टिकल्स हैं, यही सिद्धांत हैं जो एक बच्चे को ना केवल पढ़ाई में अच्छे करते बनाते हैं, लेकिन एक अच्छा मानव, एक अच्छा मनुष्य बनाते हैं।